क्वीन भी चल गए। हलकाड़ी पिक्का और हॉक को छोड़ दिया गया है सातवें आंचल। हाय माय सियोसी फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि यह बहुत ही अच्छे हैं। आज चलते हैं बेबी ड्रैगन पिक्का के साथ, एक अटैक हो जाए, चलिए देखते हैं अटैक। एक चैलेंज के साथ इस बेस पर करते हैं अटैक। अच्छा अटैक होना चाहिए, 3 स्टार होना ही चाहिए। तो चलो देखते हैं कैसे रहते हैं अटैक। इस अटैक को देखने के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और साथ में कमेंट करना तो मत भूलना, क्योंकि तुम्हारा एक एक कमेंट हमारा एक एक कीमती चीज़ है, हमारे पास एक एक कीमती चीज़ है। चलो तो चलो अटैक शुरू करते हैं। पहले पिक्का को यहाँ से छोड़ देते हैं ताकि अंदर घुस के अटैक कर सके। उसके बाद बेबी ड्रैगन को यहाँ से छोड़ देते हैं और साथ में आर्चर को भी पिक्का के पीछे छोड़ते हैं। अभी यहाँ पर डालेंगे हीलिंग स्पेल और साथ में हीरोज को भी यहाँ से छोड़ते हैं ताकि किंग को खत्म कर सके। इस बेस पर किंग तो खत्म हो चुका है, तो चलो अभी देखते हैं अटैक फुल होने में कितने टाइम लगाएगा, तो फिर फुल हो पाएगी या फिर नहीं, ये भी देखते हैं। ओ शिट, हमारे सारे पिक्का मर चुके हैं, सीसी में ट्रूप था इसलिए नहीं हो पाए। अच्छा ठीक है, क्वीन को छोड़ के जब देखते हैं तो कोई मदद मिले तो। क्वीन भी चल गए, यह अटैक तो पूरा बेकार हो गया। ठीक है चलो नेक्स्ट अटैक देखते हैं। अभी अटैक को सरेंडर करते हैं, नहीं हो पाया अटैक पे। अभी चलो पिक्का और हलकड़ी के हलकड़ी हॉक के साथ एक तो अटैक देख करते हैं। इस बेस पर करते हैं अटैक। हलकड़ी पिक्का और हॉक को छोड़ दिया गया है सातवें आर्चर भी। अब भी हम करेंगे काम कि सारे टुक के ऊपर एक ट्रेगा डालते हैं ताकि ये जल्द से जल्द काम कर सके, और किंग को भी यहाँ से छोड़ देता है ताकि ये अंदर जाके पूरे बेस को ख़त्म कर सके। टाउन हॉल ख़त्म हो चुके हैं, 1 स्टार मिल चुके हैं, 2 स्टार मिल चुके हैं हमको। अभी गोल्ड स्टोरेज टेक डाउन हो रहा है, हो गया टेक डाउन। अभी आया है कैनन के पास, वो भी टेक डाउन हो चुका है, आचर भी टेक डाउन हो चुके हैं। अभी आया है ये हाइब्रिड अटैक होने जा रहा है दोस्तों, अच्छे से देखो अटैक को। एक तो हीलिंग डालते हैं ताकि ये वैल्करी सही सलामत रहे, साथ में पिक्का भी है। पिक्का है यहाँ पर, ये अभी तक काम कर रहे हैं। दो स्टार 88% में, बहुत ही अच्छे हैं पहले अटैक से। तो चलो पहले अपग्रेड बिठाते हैं, उसके बाद ट्रूप बिठाएंगे। तो पहले अपग्रेड में बिठाएंगे गोल्ड स्टोरेज, बाद क्या बिठाएंगे एलेक्सा स्टोरेज, उसके बाद क्या बिठाएंगे एक्सपी पर, एक्सपी भी अपग्रेड हो गई है, बैठा दिया। और थोड़ा बहुत देखते हैं वॉल को अपग्रेड किया जाता है कि नहीं। रूट कार्ड भी उठा लेते हैं और सीसी में कुछ है कि नहीं ये फिर देखते हैं। थोड़ा बहुत है जो भी है ले लिया। अभी वॉल को भी थोड़ा बहुत अपग्रेड करना पड़ेगा, वॉल भी अपग्रेड हो चुके हैं। और देखेंगे क्या मिल क्या बिठाया जाएगा। यार बूम नहीं बिठाएंगे, डिफेंस को बिठाते हैं, सारे ट्रुप बिठ कर बैठ गई है। अभी देखते हैं TH6 के ऊपर एक तो अटैक, रेडी नहीं है दोस्तों, तो फुल है। तो चलो पहले एक्टर अटैक देख कर आते हैं विज़र्ड के साथ। चलो इस बेस के ऊपर करते हैं, पहले इसको यहाँ से विज़र्ड को पहले यहाँ से छोड़ते हैं ताकि ये कैनन को टेक डाउन कर सके पहले ही। उसके बाद इसको यहाँ से छोड़ेंगे ताकि एलेक्सा कलेक्टर को टेक डाउन कर सके। और यहाँ पर एक तो हीलिंग स्पेल डाल देते हैं, स्प्रिंग टप से 2 विज़र्ड तो उड़ गए हैं। 2 विज़र्ड ने आधा बेस कंप्लीट कर चुके हैं, आधा ही बाकी है। 1 स्टार मिल चुके हैं आधा बेस पर, 2 स्टार मिल चुके हैं।
कैनन टेक डाउन हो सॉरी मोटर टेक डाउन हो चुके हैं, अभी एक तो कैनन बचा हुआ है, इसको भी टेक डाउन होना है। ये भी टेक डाउन हो जाएगी, अभी हो गया टेक डाउन, थ्री स्टॉप तो होना ही है। स्टार्ट हो चुके दोस्तों, तो चलो आप देखते हैं एक तो इसका नेक्स्ट स्टार्टअप। लून और लून विजार्ड और अच्छा के साथ देखा चाणक्य नीति का क्या असर है। हमने अभी से बाहर से छोड़ना शुरू किया कि हमारा और उस तो और हमारे अटैक विक्ट्री मिल रही है। पहले हम गलती कर रहे थे, उसके बाद उसको सुधारा और टिक किया और हमारा ऑलमोस्ट हार्ड अटैक दो एक अटैक को छोड़ के बाकी सारे अटैक थ्री स्टार होने जा रहा है। चलो इस बस का ऊपर करते हैं। इस बार पहले यहाँ से रॉकेट कहाँ पर है, यहाँ इधर है, तो इसको इधर से छोड़ते हैं ताकि कैनन को टेक डाउन पहले कर दे और अच्छर को यहाँ से सारे के सारे यहाँ से छोड़ते हैं। अच्छर को लून को यहाँ पर छोड़ के यह उसे टावर को टेक डाउन किया जाएगा। यहाँ पर एक तो हीलिंग स्पेल डाल दिया है, एक स्टार हमें मिल चुके हैं, आधा बेस्ट खत्म हो चुके हैं। लून ने रॉकेट को टेक डाउन कर चुके हैं, अभी जा गया है आर्चर टावर के पास। ये भी फुल स्टार फुल थ्री स्टार आएगी और हीलिंग भी और जरूरत नहीं है। थ्री स्टार हुर्रे थ्री स्टार देखे दोस्तों, अब इसमें अपडेट बैठ रहे हैं और प्रूफ भी रेडी करते हैं। आज इसमें अपडेट बिठाएंगे विजर्ड टावर और कोल माइन को थोड़ा 4 मिनट लगेगा ना, ठीक है। अच्छा इसको बिठा देते हैं, बाकी कम होने से होते होते ये भी हो जाएगी। पैरक को बिठाते हैं हिलर के लिए, अभी ट्यूब देखते हैं। ट्यूब पर ठीक है विजार्ड और वॉल ब्रेकर छठो वॉल ब्रेकर और छठो वॉल ब्रेकर और 32 विजार्ड, यहाँ पर 3 वॉल ब्रेकर और 33 विजार्ड साथ में रहेगा। अच्छा दो अपग्रेड और ट्यूब दोनों ही बैठ गई है। चलो एक बार TH9 के ऊपर ट्रूप भी ठका रहे हैं, हमने उस टाइम भूल गए थे, तो थोड़ा चलो तो उसको ठीक करते हैं। इस बार विच के साथ अटैक होगा, नेक्स्ट अटैक विच के साथ हो रहा है। नेक्स्ट अटैक देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस बार विच से अटैक होने वाला है। तो अगर तुम इस अटैक को देखना चाह रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबा के रखो। विच और वैल्करी के साथ हाइब्रिड अटैक होने जा रहा है। एक तो पहले अटैक में विच वैल्करी और हॉग आएगी, साथ में रहेगी स्पेल रेगा और लाइटिंग उसके साथ, और हीलिंग को भी हम जोड़ेंगे। हीलिंग नहीं आ रहा है, हीलिंग नेक्स्ट अटैक पर आएगी। दो हीलिंग हो गए, दो रेगा होते हैं, दो रेगा गए और बाकी सारे लाइटिंग डालते हैं। ट्यूब भी बैठ गए है दोस्तों, तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नई अटैक नई जोश नई गेम के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब के बाद नोटिफिकेशन बेल दबाओ, नहीं तो नेक्स्ट विच के अटैक नहीं देखने मिलेगी। शानदार अटैक होने जा रहा है विच के साथ। ओके गुड बाय।